राजस्थान के टोंक जिले से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया है। यहां विजयदशमी के पर्व पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टेज पर डांस कर रही लड़कियों ने ऐसे स्टेप किए कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को कुछ देर में ही वहां से जाना पड़ा। मामला टोंक जिले के सोप कस्बे का है, जहाँ दशहरा पर्व पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था। यहाँ डांस के लिए लड़के और लड़कियों को बाहर से बुलवाया गया। कुछ देर तक कार्यक्रम सही से चला, लेकिन इसके बाद ऐसा डांस शुरू हुआ कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़ गया। जब इस कार्यक्रम का विरोध बढ़ा तो आयोजकों ने इसे रोकने के बावजूद इसे देर रात तक जारी रखा। कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने स्टेज पर डांस कर रहे एक लड़के को थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके कुछ देर बाद तक कार्यक्रम बंद हो गया, लेकिन फिर से एक बार कार्यक्रम शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 4 बजे तक चला। स्टेज पर पुलिस और सरपंच के पति के सामने लड़कियां अश्लील डांस करती नजर आईं। इस कार्यक्रम में इलाके के थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत और सरपंच के पति चिरंजीलाल खटीक मौजूद थे।